हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंह ऑटोडॉक्स। और आज मैं आ चुका हूँ आनंद जी होंडा पे सेवला जाट पे, ये शोरूम है ग्वालियर रोड आगरा। हमारे सामने बहुत ही शानदार सी बाइक खड़ी है और भाई इसके बारे में क्या ही बताऊं मैं, रोड प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। CB300R हमारे सामने खड़ी हुई है, ब्लैक और ग्रे कलर में आती है, USD फोक्स जिसमें देखने को मिल जाते हैं। जो कंप्लीट यार, मैं जितनी इसकी तारीफ करूँ उतनी ज्यादा कम है। कहीं ना कहीं इसके USD फोक्स ना हाईलाइट होने वाले हैं, क्योंकि पूरी बाइक में सबसे ज्यादा अलग गोल्डन तरीके जो गोल्डन कलर के चमक रहे हैं वो इसके USD फोक्स ही हैं। अप साइड डाउन फोक्स इसको बोला जाता है और बहुत ही शानदार सी नेक प्रोफाइल आपको फ्रंट में देखने को मिल जाती है। कहीं ना कहीं मैं बात करूँ ना तो एक चीज बताता हूँ, इसमें जो अमेजिंग चीज है ना, यहाँ पे आपको ये टर्न इंडिकेटर्स वगैरह जो देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपको KTM ड्यूक जैसे देखने को मिल जाते हैं। नेक बाइक है, लुक तो और शानदार आएगा। और सबसे अट्रैक्शन है इसका राउंड हेडलैम्प जो बहुत ही शानदार है, होंडा की बैजिंग के साथ में आती है। फ्रंट लुक की ओवरऑल प्रोफाइल करूँ ना, प्रोफाइल की बात करता हूँ तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सी प्रोफाइल हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बेहतरीन सी बाइक है हमारे सामने खड़ी हुई है जिसमें मिरर वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही प्यारा सा लुक है। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर वगैरह भी दे रखे हैं, पार्किंग लाइट दी है कि नहीं ये हम वीडियो के लास्ट तक जान ही लेंगे। आई कैचिंग आपको यहाँ पे हेडलैम्प वगैरह देखने को मिल जाती है, USD फोक्स वगैरह दे रखे हैं। बहुत ही शानदार की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी मटेरियल यूज्ड वाला मडगार्ड आपको देखने को मिल जाता है, फाइबर का है वो हमको देखने को मिल जाता है। बाकी ट्यूबलेस टायर वगैरह IMRF में हमको देखने को मिलते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर हम बात करता हूँ ना तो 110/70 R17 के हमको यहाँ पे टायर देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छी सी प्रोफाइल दे रखी है। और यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक जो है ना डुअल चैनल ABS के साथ में देखने को मिल जाती है। और ये जो डिस्क है बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की दिख रही है और बाकी अलग अलग कोडिंग वगैरह के साथ में आपको देखने को मिल जाती है। वही 9 के आपको कैलिपर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, कोई कलर्ड कैलिपर नहीं है, ब्लैक कलर के कैलिपर वगैरह देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको बेसिकली रिफ्लेक्टर वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं कंपनी की ही तरफ से। ABS की बैजिंग वगैरह दे रखी है, एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम। और क्योंकि ये लिक्विड कूल्ड ऑयल कूल्ड इंजन इसका आता है तो यहाँ पे आपको रेडिएटर वगैरह भी देखने को मिलता है और इस तरीके से एग्जॉस्ट इसका पीछे की तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं कर्वी एग्जॉस्ट आपको इसमें दे रखा है, यहाँ से कर्व होता हुआ पीछे की तरफ निकल जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड फेंडर की तरफ में, तो CB300 की आपको यहाँ पे स्टिकर वगैरह देखने को मिल जाता है और कहीं ना कहीं एरोडायनेमिक डिजाइन के साथ में दे रखा है तो इस तरीके की पूरी प्रोफाइल इसमें साइड से देखने को मिल जाती है। इसमें कहीं पे भी किक का सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, सब स्टार्ट सिस्टम मिलता है। टैंक की बात करूँ तो बहुत ही प्यारा सा इसमें फ्यूल टैंक वगैरह दे रखा है और टैंक पे ही आपको होंडा की बैजिंग देखने मिल जाती है। बिग विंग वगैरह जो है, विंग मतलब बड़ा सा जो पर बोलते हैं क्या है वही है, तो वो आपको यहाँ पे देखने मिलती है। और ओवरऑल प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। फ्रॉम बैक टू फ्रंट आते आते बहुत ही ज्यादा बाइक अमेजिंग हो जाती है, आई कैचिंग होती चली जाती है। तो ये है इसकी फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, थोड़ा साइड की और जान लेते हैं। तो साइड में हम आते हैं तो हमको कुछ प्रोफाइल ऐसी देखने को मिलती है कि वही बैचिंग है, गियर शिफ्टिंग मिल जाते हैं, 6 गियर्स के साथ में आती है गाइस, 1 down 5 up, ये गियरिंग सिस्टम है जैसे KTM में आते हैं, R15 में आते हैं और वही आपको सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और चेन कवर आपको अप साइड में देखने को मिलता है, नीचे की साइड में कोई भी चेन कवर नहीं मिलता है। इसमें डुअल स्टैंड आपको देखने को नहीं मिलेगा, केवल साइड स्टैंड आता है। 7 भी एडजस्टेबल आपको ये सस्पेंशन वगैरह देखने मिल जाता है, इसको एडजस्टेबल है तो आप इसको एडजस्ट वगैरह भी करवा सकते हो या खुद भी कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे एक चीज अमेजिंग मिल जाती है, ये देख रहे हो आप, पूरा का पूरा फुल्ली कवर्ड आपको मिल जाता है बैक रेयर टायर के पीछे। टायर प्रोफाइल भी आपको बताता हूँ, तो पहले सीट की बात कर लेते हैं। तो सीट जो दे रखी है ना यहाँ पे, तो सीट आपको स्प्लिटेड देखने को मिल जाती है, ये स्प्लिटेड है पूरी तरीके से और अच्छी सी है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बाद में बात करेंगे, पर पहले एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे टेल लाइट, तो टेल लाइट भी आपको यहाँ देखने को मिलती है जो कि शानदार सी टेल लाइट दे रखी है और ये भी LED सेटअप के साथ में आती है और इंडिकेटर भी यहाँ पे दे रखे हैं। अब मैं इसकी टेल लाइट को जला करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये टेल लाइट होती कैसी है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देख लो, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और लाइट की बात करते हैं तो लाइट यार यहाँ पे कैसी है, इस तरीके की आपको टेल लाइट वगैरह देखने मिलती है। और इंडिकेटर जलाने के बाद में जैसे इंडिकेटर ऑन कर दिया तो इस तरीके की आपको लाइट दिख जाती है, ये रही लाइट इस तरीके की है। और यहाँ पे नंबर प्लेट की स्पेसिंग मिल जाती है और यहाँ पे नंबर प्लेट वाली लाइट आपको यहाँ देखने मिल जाती है, LED है, फुली सेटअप आपको LED मिल जाता है, हैलोजन सेटअप इसमें पूरी गाड़ी में कहीं पे भी नहीं देखने को मिलता है। रेयर और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक वगैरह देखने को मिलते हैं क्योंकि डुअल चैनल ABS है तो कहीं पे भी यार मतलब सेम साइड मिलता है इसमें। और कुछ कुछ बाइक्स में क्या होती है ये जो है ब्रेकिंग सिस्टम एडजेसेंट साइड वगैरह देखने को मिलती है ताकि कंट्रोलिंग बहुत स्मूथ हो सके। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो टायर दे रखा है इसकी प्रोफाइल 150/60 R17 के दे रखे हैं, कहीं माइनर सा डिफरेंस है चौड़ाई वगैरह में, पीछे का टायर थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है और वो थोड़ा कम चौड़ा है तो इस तरीके की इसकी चौड़ाई में डिफरेंसेज हैं। 45 KMPL का माइलेज वगैरह इससे एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। और
तकरीबन, और यहाँ पर आपको दे रखा है फुटरेस दे रखा है जो कि मेटेलिक है, रबरिक आपको यहाँ पे फुटरेस देखने मिल जाता है, रियर ब्रेक वगैरह दी गई है, होंडा की बैजिंग वगैरह दे रखा है और इस तरीके का टोटल सिस्टम इसमें प्रोवाइड कर रखा है। अभी आते हैं इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ में, तो वहाँ पे आपको क्या देखने मिलता है, ठीक है। तो ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका, आपको शायद बहुत कम दिख रहा होगा, इस तरीके के कुछ आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको किलोमीटर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, KMPL वगैरह जो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कितने किलोमीटर चल चुकी है वो, RPM मीटर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, राउंड पर मिनट, और फ्यूल गॉज वगैरह यहाँ दे रखा है, टाइमिंग वगैरह यहाँ दे रखी है, साइड स्टैंड ऑटो कट वगैरह देखने को मिलता है, कौन से गियर पे चल रही है वो भी हमको यहाँ पे देखने मिलता है, यहाँ पे अभी पहले गियर पे ही रख रखी है तो वही दिख रहा है। और ये सारे फीचर्स के साथ में आती है मोबाइल कनेक्टिविटी इसमें मिलती है कि नहीं वो अभी कंफर्म नहीं है, देखते हैं वो। और नेक्स्ट चीज इसमें मिलती है ना, इंडिकेटर्स वगैरह के यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, पेट्रोल अलर्ट वगैरह दे रखा है, हाई लो आपको देखने को मिल जाता है, लाइट का सेटअप है, और यहाँ पे न्यूट्रल वगैरह, ABS वगैरह कंट्रोल, और वापस से टर्न इंडिकेटर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर की लाइट दे रखी है, ये जो लाइट है ना ये टेम्परेचर की लाइट वगैरह दे रखी है इसमें। तो गाइज ये सारे फीचर्स में देखने को मिल जाते हैं। की की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो कुछ ऐसी की आपको देखने को मिल जाती है, ये की बहुत ही शानदार है, अच्छी सी की मिल जाती है, ये कुछ अलग है पुरानी की से एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स, बट ये कंपेयर है। यहाँ पे आपको कुछ मिरर वगैरह देखने मिल जाते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल्स की बात करूँ तो यहाँ पे पास का कंट्रोल यहाँ दे रखा है, और यहाँ पे लाइट, यहाँ पे हॉर्न मिल जाता है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर के, कोई भी USB चार्जिंग पोर्ट इसमें देखने को नहीं मिलता। राइट साइड में आते हुए राइट हैंड की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको इंजन ऑटो कट वगैरह देखने मिल जाता है, और इंजन स्टार्ट वगैरह भी इससे कर सकते हो 5 सेकंड का गैप ले करके, और किसी अदर तरीके की चीजें इसमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये थी ओवरऑल प्रोफाइल, और इसके मैं कलर वेरियंट्स भी बता देता हूँ कि कितने कलर वेरियंट्स में अवेलेबल है। बेसिकली ये जो है हमारे सामने अभी ग्रे वाला वेरिएंट खड़ा हुआ है, और कलर इसमें रेड कलर भी आता है, 6 गियर के साथ में आता है, 9.7 लीटर्स की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, ये जो फ्यूल टैंक है इसकी 9.7 लीटर्स की है, तकरीबन 286 सीसी का इसमें इंजन आता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 27 PS की पावर, 27 Nm का टॉर्क और 31 PS की पावर। पावर फिगर्स की बात करता हूँ तो बहुत ही बड़ा इसमें पावर फिगर इसमें दिया गया है, 31 PS की पावर अपने आप में बहुत ज़्यादा है, और एक्चुअल में ये इतनी जल्दी किसी भी बाइक में मिलता नहीं है, कहीं ना कहीं KTM को टक्कर देती है ये बाइक। अगर पावर फिगर की मैं बात करता हूँ तो डुअल चैनल ABS इसमें दे रखा है, और प्राइसिंग की बात करता हूँ तो 2,77,267 रुपये, मतलब 267 रुपीज़, इतने प्राइस में आपको ये एक्स शोरूम प्राइस इसका देखने को मिलता है। गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और लुक तो यार इसका बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लुक इसमें दे रखा है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।